जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है राजेश टॉप टेक्निकल चैनल में। और इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से मेटल पे वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए वेल्डिंग करते समय सही इलेक्ट्रोड का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस मेटल पर हमें वेल्डिंग करना है, यदि सेम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो उस वेल्डिंग का स्ट्रेंथ और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मेरा हमेशा कोशिश होता है कि आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूं, और करता भी हूं। और आपके कमेंट पर बहुत सारे हमने वीडियो बनाए भी है, कुछ दोस्तों के वीडियो अभी भी पेंडिंग है, वो भी वीडियो आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारी वीडियो है नहीं। आप चाहें तो स्टोन क्रेशर का या फिर प्रोग्रामिंग का वीडियो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्रेशर का मालूम है, प्रोग्रामिंग वो किसी और को भी मालूम चल जाएगा, और जो आपको नहीं मालूम है वो दूसरे के माध्यम से आपको भी मालूम चल जाएगा। तो आप लोग शेयर कीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पे, और सभी को इससे लाभ मिलता रहेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इलेक्ट्रोड है वो माइल्ड स्टील का होता है, जिसका नंबर E6010, 6011, 6012, 6013, 7014, 7018, E7024। सबके आगे ई लिखा हुआ है, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। इस सभी इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील के रड हैं। दोस्तों, यदि आप लो और मीडियम कार्बन स्टील के ऊपर वेल्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए E6010 और E6013 इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हाई कार्बन स्टील के ऊपर आर्क वेल्डिंग करें तो इसके लिए E7018 इलेक्ट्रोड यूज करना होता है। और E7018 इलेक्ट्रोड का काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होता है, और इससे किया हुआ वेल्डिंग का क्रैक होने का चांस भी बहुत ही कम होता है। और यदि आप चाहते हैं कास्ट आयरन मेटल के ऊपर वेल्डिंग करना तो इसके लिए ENI99, ENI C1, ENI C1Z308 इलेक्ट्रोड अवेलेबल है मार्केट में, जिससे हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलता है। और इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन यूज होते हैं उनके बेस सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन के होते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में डैम्पिंग रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए इस मेटल का यूज एज ए बेस बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। चाहे तो आप इलेक्ट्रोड का नंबर नोट करके भी रख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग करना तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड अवेलेबल है 308, 304, 316L से आप आसानी से स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये देखने में कलर इसका लाइट कलर होता है, जो कि सफ़ेद कलर के लगभग दिखता है ये। चलिए फिर लास्ट में जानेंगे कि वैसा मटेरियल जिसमें लोहा नहीं मिला होता उसके लिए नॉन फेरस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कि नॉन फेरस सरफेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा मार्केट में और भी इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, जिसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। अभी तक जो भी इलेक्ट्रोड के बारे में आपने जाना या सीखा वे सभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।